और जैसा कि आपने देखा अभी शर्मा जी जा रहे हैं और सुबह सुबह का टाइम है साढ़े सात बजे हैं सुबह के सुबह साढ़े सात बजे इनको जाना था और मैं उठ गई थी साढ़े पाँच बजे के लगभग और उठ कर के मैंने इनका खाना बनाया और कहाँ गए हैं क्यों गए हैं वो सारी चीज़ें मैं अभी शेयर नहीं करूँगी क्योंकि कुछ पर्सनल इश्यूज़ हैं जिसके कारण मैं अभी शेयर नहीं कर रही हूँ तो बस ये चले गए थे सुबह और इनका खाना वगैरह पैक करके मैंने दे दिए दे दिया था उसके बाद में मैं लगी हूँ सांग समेटने में और मेरा ये एक कमरा है ना इसके कारण मतलब ऊपर एक ही रूम में रहते हैं ना हम लोग तो बहुत ज़्यादा सुबह सुबह फैल जाता है और आज मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी बिखेर लिया था मतलब जब हस्बैंड घर पर नहीं होते ना तो वो मन रहता है कि बहुत सारा काम करके अपने आप को बिजी रखें ताकि ना पता ना चले टाइम कैसे निकल गया तो इसीलिए मैंने ये बेड के अंदर इसके अंदर ये कपड़े थे जो पहनने के हमारे इनको ऊपर रखने के लिए मैं यहाँ रखती हूँ मतलब कि सर्दियों में कपड़े हो जाते हैं बहुत ज़्यादा और रखने की जगह होती है कम अब यहाँ पर ऊपर मेरे को जो जरूरी होते हैं जैसे बच्चों के स्कूल के हैं और या फिर दिन में कभी चेंज करने पड़ते हैं वो वाले कपड़े मैंने जो कि डेली वियर हैं वो मैंने थोड़े बहुत यहाँ रखे हुए हैं ताकि मुझे इमरजेंसी में नीचे न जाना पड़े नाइट में या फिर कभी भी ज़रूरत समय थोड़े बहुत मैंने रखे हैं तो वो मैंने बैठ के इस रैक में रख दिया और ये मेरा कोट जो पिंक कलर का पड़ा हुआ है ना चार, इसके ऊपर बेड के ऊपर ये मैंने खाली एक दो बार पहना है और ये अब मैं उठा करके इस साल मैंने निकाला जरूर था लेकिन पहना नहीं मैं अब मैं बेड में रखने वाली हूं तो इसको रख दिया है उठा के वापस बेड में रजाई एक जो रोज रखी जाती है वो भी रख दिया है अब मेरे को ये बेड जो है ना इसको अरेंज करना है क्योंकि ये भी बिखरा हुआ है इसके साथ में सोफा लगा हुआ है जो ब्राउन कलर की रजाई दिख रही होगी ना कंबल आपको यहाँ पर सोफा लगा रखा है जिस पर नैनी सोती है तो वो भी मेरे को ठीक करना है और सारा सुबह सुबह ये इतना सामान फैल जाता है आपने देखा होगा मेरे घर में कभी भी सुबह की रूटीन आप शूट करते हुए नहीं देखोगे मेरे को मतलब मेरे लोग में सुबह की रूटीन नहीं होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा फैला हुआ रहता है फिर मैं उसको अरेंज करती हूँ उस टाइम पर मैं कैमरा नहीं लगाती फटाफट से बस सही करके और फिर मैं मेरा बाकी काम जो होता है ना उसको समेटने में लग जाती हूँ तो आज ठंडी बहुत थी ना दो तीन दिन से तो कपड़े निकले थे बहुत सारे तो मैंने वो कपड़े भी निकाल लिए हैं धोने के और देखिए पहले वाले फोल्ड भी नहीं हुए हैं दो दिन से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला दो दिन से रखे हैं मेरे कपड़े और बहुत कम होता है मेरे साथ ऐसा कि मेरे दो दो दिन तक कपड़े समेटे बिना रह जाए और मेरे ख्याल से अब ये जो आज धुलेंगे इनके साथ ही सिमटेंगे क्योंकि आज भी मैंने बहुत सारा काम सोच के रखा है जो मुझे करना है तो इनका नंबर लेट आएगा तो यहाँ पर सोफ़ा जो है उसको अपनी जगह पर खिसका दिया है और अब उसको झाड़ करके उसको भी अच्छे से अरेंज कर देते हैं और अब लगाएंगे सारे घर में अच्छे से झाड़ू मतलब शुरुआत मैंने अभी की है झाड़ू की गेट मेरा अभी खुला है सुबह से मैंने गेट भी नहीं खोला था और आज धूप निकली है इसलिए जल्दी ही मतलब आठ सवा आठ बजे धूप निकल गई थी तो जल्दी ही मेरा यहाँ का क्या बोलते हैं उसको गेट खुल गया नहीं तो मेरा बहुत लेट खुलता है ये वाला गेट मैं बंद ही रखती हूँ ठंड ना आए घर के अंदर तो अब रूम के अंदर से झाड़ू लगानी शुरू की है किचन में अभी भी नहीं लगी है किचन में पहुँचने में अभी टाइम लगेगा मेरे को क्योंकि मैं इधर का अरेंज करके सारा झाड़ू वगैरह लगा करके बाद में किचन में जाऊँगी क्योंकि ना किचन भी पूरा फैला हुआ है सुबह मैंने खाना बनाया ना शर्मा जी गए थे इसलिए तो वो भी पूरा फैला पड़ा है तो वहाँ का हाल भी दिखाऊंगी आपको कि कैसा कुछ फैला हुआ है तो चलिए फिर किचन में लेकर चलते हूँ आपको मतलब इतना लेट नहीं करते तो देखिए किचन किस तरीके से फैला है और जब किचन में स्लैब ना हो मतलब कि प्लेटफॉर्म ना हो तो इसी तरीके का हाल होता है हर एक चीज़ जो है ना नीचे इसी तरीके से फैल जाती है उनको सबको दोबारा से उठा उठा के रखना पड़ता है तो मैं बस वही सब उठा उठा के रख रही हूँ और बर्तन सब जो कि सुबह से हुए हैं वो सारे साफ़ करने की जगह रख के रखी रख के आऊँगी और जो पीने का पानी अभी मुझे भरना है वो भी रख के आऊँगी और कचरा डालने के लिए थैली रखती हूँ जैसे प्याज के छिलके हो गए और लहसुन वगैरह छीलती वो सब के लिए मैं यहाँ पर ये थैली रखती हूँ इसके अंदर ये भी मैं आज सुबह ही लेकर जाती हूँ जब मैं झाड़ू लगाती हूँ और फिर नेक्स्ट डे मेरे को अलग से रखनी पड़ती है तो ये भी मैं ले गई हूँ और इधर से झाड़ू मेरे दो रूम में भी और इसमें भी लग चुकी है रूम में एक बार फिर से फिर आ देती हूँ आदत है मेरी तो यहाँ पर छत पे सारा सामान जो मेरा रूम में से बाहर निकला वो मैंने गेट में रखा हुआ है उन सबको उठा उठा के अब सबको अपनी अपनी जगह पर रखना है और बीच में मैंने मशीन लगा दी थी ताकि मेरे कपड़े भी धुलते रहें साइड में तो यहाँ पर मशीन चल रही है अपनी और अब बना लेते हैं मैगी क्योंकि बच्चों को भूख लगी है रोटी ये खाएंगे नहीं अभी तो सिवांश ने डिमांड रखी थी सुबह वैसे दूध ले लिया था इन्होंने लड्डू ले लिया था सिवानस ने डिमांड रखी थी कि मम्मी मैगी बनाओ और ठंड काफ़ी हो रही है इसलिए मैंने स्लीपरस डाल तो जी मैगी बनकर तैयार है मैं कई महीनों बाद मैगी खाऊँगी आज क्योंकि मैं कभी नहीं खाती ठीक है, तो आज मैंने दो पैकेट से दोनों बना लिए और ये हम तीनों की प्लेट मेरी ननी की शिवांश की तो डालते हैं तीनों की मैगी और मैं बनाती प्लेन वाड़ी, प्लेन वाली वाली अच्छी मेरे लगती तो भी है अच्छा श्यांश के मुंह में से पानी निकल के नीचे गिर गया, अच्छा? मैं गिर गया और मैं प्लेन ही बनाती हूँ क्योंकि मेरे को प्लेन में जो रियल जो इसका टेस्ट है ना वो प्लेन में आता है बाकी में नहीं आता इसका जो पानी वाली मैगी बनती है ना मतलब ढंग से पानी भी हो वो अच्छी लगती है हम तीनों को ही शर्मा जी कभी खाती नहीं मैं कभी कभी खाती हूँ कोई चार पाँच एक बार ठीक है तो पानी वाली मैगी बनाइए अभी पानी भी डालेंगे तो अभी मैगी खा ली है और अभी ये जो इधर कपड़े मेरे धुल चुके हैं ना उनको निकाल लेती हूँ ड्रायर किए थे मतलब मैं सर्फ़ एक बार ड्रायर सर्फ जो होता है ना जैसे कपड़ों में सीधा इसमें से निकाल करके वाशर में से और ड्रायर में डाल देती हूँ ताकि सरफ़ एक्स्ट्रा निकल जाए पानी कम लगे निचोड़ने में तो एक बार मैंने ड्राई कर लिया इनको ताकि इनका सरफ़ निकल गया है और अभी साफ पानी में से मैं इनको निचोड़ निचोड़ के दोबारा से ड्रायर करूँगी और उससे क्या होता है ना एक तो पानी कम लगता है और सरफ भी कपड़ों के बीच में नहीं रहता इतना नहीं तो ये है ना कि पानी बहुत सारा लगेगा और बहुत टाइम लग जाएगा मेरे को इनको ड्राई करने में अब मैं साड़ी जो है वो निकाल कर अपनी धोने के लिए डाल दिए मैंने मैंने अपना पजामा पहन लिया है और स्वेटर पहन लिया ब्लाउज के ऊपर से ही क्योंकि ना कौन अब चेंज करेगा ना नहाते टाइम ब्लाउज तो अकेला धो दूंगी मैं हाथ से और साड़ी जो है ना उसको मशीन में डाल देंगे ताकि मैं नहाऊँ ना, ना तब तक सारे कपड़े धुल चुके हों और मुझे लग रही थी ठंड तो मैंने ऊपर से शॉल डाल लिया अपना क्योंकि ना वो होता है ना कि ठंड तो लगती है यार अकेली स्वेटर में तो लगेगी तो यहाँ पर ये कपड़े मैंने दोबारा से इसमें निचोड़ने शुरू कर दिया है और आज पता है क्या वह मशीन मैंने लगा ली और पानी बिल्कुल भी, भी नहीं आया मतलब कि बाद में पानी नहीं आया एक बार लगाया जब आया था उसके बाद में पानी नहीं आया तो मेरे सारे बर्तन खाली रखे रह गए और अब मैं आई हूँ कपड़े सुखाने के लिए और कपड़े सुखा रही हूँ लेकिन कैमरा देखो कहाँ सेट करके गई हूँ मतलब इतनी भागा दौड़ मची थी मेरे दिमाग में कि मुझे ये भी नहीं पता कि मैंने कैमरा कहाँ सेट किया बाद में देखा तो फिर मैंने उसको सही से सेट किया बच्चे दोनों धूप में खेल रहे थे और बस मैं अपना काम समेटने में लगी थी और खाना मेरे को अभी बनाना है बच्चों का जैसे सब्जी बनाई थी राटा लगाया था सुबह के टाइम तो अब मैं रोटियाँ सेकूँ और बच्चों को खिलाऊंगी। तो जी अब बज गए हैं शाम के सवा सात और शाम के सवा सात बजे मैं और शिवास देखो वो नैनी हम तीनों बैठे हुए हैं और अभी जो है क्या बोलते हैं उसको किस कोई काम नहीं किया है खाना वाना नहीं बनाया मैंने अब बनाऊंगी शर्मा जी आने वाले हैं थोड़ी बहुत देर में वो आएंगे तो जी शाम के बज गए सवा सात और सवा सात बजे हम लोग मिल रहे हैं अभी मेरे को ये कपड़े समेटने हैं लेकिन मैंने क्या है ना ब्लॉक का एंड नहीं किया था और पूरे वीडियो में मैंने कहीं पे फेस कैमरे में बात नहीं की तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर आप लोगों से बातचीत हो जाए और आप लोगों को कुछ मेरी क्रिएटिविटी दिखाऊं जो कि मैंने दिन में की है जिसके अंदर मैं बिजी थी तो देखो मैंने दिन में ये बनाया है अभी इसमें कलर पेंट बाकी या कलर पेंट वगैरह होगा एक मिनट रुकना देखो ये सी और ये अभी एक साइड का बना है मतलब पूरा घर बनने में अभी टाइम लगेगा इसमें और भी आगे पोर्शन बनेगा इसमें रेलिंग वगैरह बनेगी बस यहाँ आज तो सीढ़ी बनी है और एक ये घर बना है इसका कलर पेंट वगैरह सब हो जाएगा ना जब और भी खूबसूरत लगेगा ये अभी मतलब काफी बड़ा बनेगा ये इधर भी आएंगे दो रूम ठीक है आज दिन में मैं इसी में लगी हुई थी पूरे दिन नहीं लगी लेकिन दिन में दोपहर में मैं लगी थी फिर उसके बाद में मैं गई मैंने कहा चलो सोते हैं आराम से और फिर आरती के साथ बातें दे की ढेरों बातें की बहुत सारी बात की आरती के साथ आज मैंने तो उसमें लग गई थी फिर तो मैंने सोचा चलो अब वीडियो एडिट करते हैं और आप लोगों से थोड़ी बात करते हैं तो जी अब मेरे को कपड़े भी समेटने हैं पहले इस ब्लॉग का एंड करूंगी और फिर बनाऊंगी यह वीडियो पोस्ट करके फिर बनाऊंगी रोटियां और रोटी बना के और फिर जो एक्स्ट्रा जो काम बच गया जैसे कि ये कपड़े जो कि आज सुबह धुले थे सारे सूख करके देखो ढेर मचा रखा है और कल बच्चे सुबह स्कूल जाएंगे तो इनकी भी तैयारी करके रखनी है तो सिवांश को बहुत दिन हो गए ना स्कूल गए इसलिए इसको मजा आएगा आज बहुत दिन के बाद स्कूल जाते हैं जब मजा आता है इनको वैसे हम तो ना इसको आपको तो नहीं आता सॉरी तो मुझे क्या दिक्कत पड़ेगी मैं हाँ, इनकी पढ़ाई होती एक बार लिखो फिर खेलो अपने आपके भी था वो टाइम अभी तो चला गया <laughs> तो जी ऐसी कुछ है बच्चों की बातें कल से सुबह से स्कूल जाएंगे और किस किस के बच्चे अभी मतलब आप में से कौन कौन है जिनके बच्चे अब स्कूल जाने शुरू हो जाएंगे छुट्टियां खत्म हो गई हैं तो कमेंट करके बताना और करेंगे इस वीडियो का एंड मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ में बाय टेक केयर थैंक्स फॉर वाचिंग जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा बाय